हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुफियान जिन। आज एक और नई सुबह, एक और नया ब्लॉग, एक और नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो सीन ये है आज का कि हमारी जो राम प्यारी है काजल, मेरी बाइक, तो इसके थोड़े से बॉडी पार्ट्स के जो अंजर पंजर हैं वो ढीले हो चुके हैं, जिनको हमें रिप्लेस करना है। उसी के लिए हम जा रहे हैं आकड़ यामाहा जयपुर अजमेर रोड। रोशन यामाहा पर इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं हैं अभी, तो हो सकता है उन्होंने बोला कि ऑर्डर देने पर आएंगे, कलर का कुछ इशू है, तो अगर वहाँ मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ये रोशन यामाहा पास पड़ेगा, यहाँ पर हम ऑर्डर देंगे। और पहले चेक करते हैं कि वहाँ क्या सीन है। उससे पहले गौरी शक्तिमान। जयपुर के पायलट, खैर इग्नोर करो। ये हमारा रामनिवास बाग, रामनिवास गार्डन, एल्बर्ट हॉल गार्डन। तो यार बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है और मैं भी अपने काम में बिजी था, इस चक्कर में ब्लॉग नहीं कर पा रहा था। आज सोचा थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी बाइक का भी थोड़ा सा केयर करें, मेंटेन करें, इसलिए मैं एक राइड प्लान कर रहा हूँ। हो सका तो आपको इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूँगा उसकी डिटेल्स। देखते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक सोलो राइड होगी ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स की अप डाउन। तो मैंने जो ये बाइक ली थी 2013 में ली थी, फरवरी 2013 का ये मॉडल है, और अभी तक इसमें मैंने ज़्यादा कुछ खर्चा किया नहीं है। मैंने जो इसमें अभी तक पार्ट्स लगाए हैं या मतलब जो इसमें मेंटेनेंस में मेरा पैसा लगा है, वो मेनली चेन सेट मैंने एक बार डाला था इसमें बहुत पहले, ऑलमोस्ट एक साल पहले। उसके बाद क्लच प्लेट डाली थी मैंने, जो कि मुझे लगा कि ख़राब हो गई, बट जब मैंने रिप्लेस करके उनको निकाली तो वो ठीक थी, स्प्रिंग का थोड़ा इशू था, तो फिर भी मैंने रिप्लेस कर दी क्लच प्लेट्स। और आगे के जो फ्रंट फॉर्क हैं उनकी सील कट गई थी, ऑयल सील एक की, तो फिर मैंने दोनों की रिपेयर कर दी। लेकिन उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बनाता था, तो इसलिए मैं इस चीज़ की वीडियो नहीं बनाया। लेकिन इन फ्यूचर नेक्स्ट टाइम मैं अपने बाइक में कुछ भी काम करूँगा या कुछ भी अपडेट होगा, मॉडिफिकेशन होगा, तो उसका ब्लॉग, उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी 100%। जैसा कि ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है हमारी बाइक से रिलेटेड, तो आज देखते हैं, होप अगर वहाँ पर सारे पार्ट्स अवेलेबल हुए तो ये वीडियो जल्दी आ जाएगी, और अगर नहीं हुए तो हमें टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा पार्ट्स आने का। मुझे एक्चुअली इसका PUC भी कराना है, बहुत दिन से मैं सोच रहा हूँ, ना मुझे टाइम मिल रहा है ना मैं बाइक चला पा रहा हूँ, इस चक्कर में इसका PUC भी नहीं हुआ। अब अगर मुझे कहीं मिला कोई गाड़ी तो बिल्कुल ज़रूर कराएंगे, वरना आते में अजमेरी गेट पे है शायद, वहाँ हम कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। आज इसका 100% मुझे ये काम कराना है, क्योंकि राइड से पहले मुझे सारे पेपर कंप्लीट करने हैं। यहाँ जगह जगह पुलिस वाले खड़े हैं, और वैसे हमें कोई इशू नहीं है, पेपर हमारे कंप्लीट हैं। ये स्टोरी टेलिंग जो पार्ट होता है ना बॉस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी इस फील्ड में बिल्कुल नया हूँ, मुझे व्लॉग बनाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। जहाँ तक मैंने जितना लोगों से सीखा है दूसरों की वीडियो देख के, मैं कोशिश करूँगा वैसी बनाने की, वैसी तो नहीं बनेगी बट मैं कोशिश करूँगा अपना 100% देने की। तो भाई लोग, ये है अपना जयपुर का अहिंसा सर्किल सी स्कीम। यहाँ से हम लोगों को जाना है सीधा अजमेर रोड आकड़ यामाहा, और वहाँ से एक बार कोटेशन लेना है पूरे पार्ट्स का। जल्दी 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 पहुँच जा, पहुँच जा, पहुँच जा, पहुँच जा। लाइट मत होइयो, लाइट मत होइयो, लाइट मत होइयो। ठीक है भाई, निकल गए। तो वापस आते में हमें अजमेरी गेट पे रुकना तो है ही PUC के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ बाइक पे विनाइल रैप भी करा लूँ, तो उसके लिए भी कॉस्टिंग मालूम करनी पड़ेगी, वो कॉस्टिंग के लिए भी बात करेंगे, और देखेंगे कि कौन से कलर में विनाइल कराना है। मैं सोच रहा हूँ ब्लैक कलर की ही, क्योंकि मेरी बाइक का कलर ब्लैक है, RC में भी ब्लैक है। थोड़ा सा टच देंगे किसी कंट्रास्ट कलर का, लेट्स सी कौन सा अच्छा लगता है। वैसे इसमें कंट्रास्ट जो है वो ग्रीन है, बट मे बी ब्लू और रेड। अभी फ़िलहाल पूरा कॉन्सेंट्रेट है हमारा पार्ट्स के ऊपर, होप यहाँ पर पार्ट्स अवेलेबल हो जाए, और अगर यहाँ पार्ट्स अवेलेबल हो गए तो ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ढिंग, और नहीं हुए ढिंका चिक्का नहीं होगा। जी ये आ गए हम अपने आकड़ यामाहा के शोरूम पर। ये है इज द ब्लडी पार्किंग, दिस इज द पार्किंग।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैंने अपनी बाइक परचेस की थी, मेरी लाइफ की फर्स्ट बाइक। और यहाँ मैंने कभी सर्विस नहीं कराई, पता नहीं क्यों नहीं कराई, बट नहीं कराई। R15 के बैक पैनल मिल जाएंगे, साइड के जो कोल आते हैं ना वर्जन 2 के बाहर है। हाँ जी, तो इनको पहले बाइक दिखानी पड़ेगी, इनको समझाना पड़ेगा कौन से पैनल है। ऑर्डर से आएंगे कितने दिन में आ जाएंगे? 8-10 दिन। ये तीनों और एक ही आगे का, तो कितना कॉस्ट होगा इसका? 3100-3200 रुपये। और ये भी मिल जाएगा ना? ये चारों आ गए और वो आगे का आ गया। चलिए मैं आते में देखता हूँ फिर ना। तो ब्रदर्स, भाई लोगों, हमारा काम यहाँ पर भी नहीं बना। ये भी कह रहे हैं 8-10 दिन लगेंगे, ऑर्डर से ही आएगा बॉडी पार्ट्स जो भी है। वहाँ पर भी उन लोगों ने यही बोला था, तो ये थोड़ा दूर पड़ेगा, तो मुझे बेटर है कि मैं वहीं पर ऑर्डर दूंगा, घर के पास में है वो। तो अभी हम सीधा चलते हैं रोशन यामा पर और वहाँ अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। मुझे जाना उधर से था बट वन वे की वजह से हम नहीं निकल पाएंगे। यहाँ पर पुलिस वाले अंकल खड़े हैं बहुत सारे, जो हमें धरने के लिए तैयार बैठे हैं। बच के साइड से निकल गए, आगे से हमें कट में से लेना पड़ेगा, अगर कट खुला हुआ हुआ तो, नहीं तो MI रोड ही जाना पड़ेगा। अपन को जाना पड़ेगा MI रोड से ही सीधा। यहाँ से कट ये खुला होता तो हम सीधे निकल गए होते इधर से, पर कोई ना, MI रोड से चलेंगे तो अपने दोनों काम हो जाएंगे अभी। अच्छा, इधर से भी लोग जाते हैं। ये आ चुके हैं हम लोग MG के शोरूम में, मॉरिस गैराज। और ये है जयपुर की घूमने वाली बिल्डिंग, ओम टावर। बेसिकली एक होटल है जो कि 45 मिनट्स में एक राउंड अपना पूरा करता है। रिवॉल्विंग टावर भी कहते हैं इसको। नीचे टोयोटा का शोरूम, ऊपर घूमता हुआ घर मकान, और ये अपनी लाइट हो रही है, होप जब तक हम वहाँ पहुँचें ग्रीन रहे। और ये ऐसे आते हैं नेता थोड़े टाइप के, ये एकदम से कट मार के घुस जाते हैं। ऐसे लोगों को ना मैंने नाम दिया, इनके पिछवाड़े में क्या अजगर होता है, अजगर वैसे लहरा लहरा के चलता है, किधर भी घुस जाता है वो। तो अजगर से क्या है, थोड़ा सा दूरी बना के चलने का, इनके आसपास में बाइक कार कुछ नहीं चलाने का, क्योंकि किधर भी घुस जाते हैं। ये है अपना MI रोड, मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर। जयपुर दर्शन आज अभी आएगा, 5 बत्ती सर्किल। एक्चुअली वहाँ कोई सर्किल नहीं है, पहले था तोड़ दिया, अब वहाँ सिर्फ 5 बत्ती है सामने, उससे हल्का सा राइट लेते ही वर्ल्ड फेमस राज मंदिर सिनेमा हॉल, जयपुर की आन बान शान, वो आ जाएगा। ओ ओ ओ ओ, अंकल भी अजगर हो रहे हैं। ये भाई साहब इंडिकेटर दे रहे हैं 20 रोड पे लेफ्ट हैंड का, वो भाई साहब साइड में से इंडिकेटर दे रहे हैं। ये भी एक और अजगर आया। भाई लोग, ये है 5 बत्ती का चौराहा, और यहाँ से हल्की सी झलकी दिखा सकता हूँ मैं राज मंदिर की, पूरा नहीं, वो रहा राज मंदिर, हमारा राज मंदिर, हमारा अपना राज मंदिर। कौन से सन में बना था ये तो मेरे को पता नहीं है, बट पहली पिक्चर जो इसमें लगी थी वो थी चरस, जिसका एक छोटा मॉडल आज भी इस हॉल के अंदर रखा हुआ है, उस टाइम का बना हुआ। आई थिंक धर्मेंद्र की थी वो पिक्चर, मुझे पता नहीं, मुझे सही कर देना अगर मैं गलत हूँ तो। शायद 76 में आई थी, 73 और 76 समथिंग, पता नहीं। मेरे पैदा होने से भी बहुत पहले अंकल सोच रहे थे हमसे पहले निकल जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ऐसे कैसे। इधर पोल्यूशन हुआ का तो होता है बट भीड़वा बहुत होती है, चेक करते हैं। भैया PUC कराना है, यूं ठीक है जी। ये लगा दूं, इसको इसमें डालना होता है, बंद कर दूं, जी यार अभी तो लगाया मैंने, 100 रुपये वापस दे रहे हो आप।
ठीक है जी, तो अपना POC कंप्लीट हो गया। यहाँ से यू टर्न मार लेते, अलाउ है या नहीं पता नहीं, बट अब मार लिया तो क्या दिक्कत है। तो हमारा जो मेन काम था ना POC का, मतलब दो मेन काम थे, उसमें से एक तो हो गया, अब बचा एक, वो करना है, करेंगे उसको भी, करेंगे। सीधा जाते हैं, अभी ऑर्डर दे के आते हैं पार्ट्स का। अब हम आ चुके हैं अल्बर्ट हॉल में, जो यहाँ से राइट हो गया आपको अल्बर्ट हॉल दिखेगा, उसका एक शानदार नजारा मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल सुफियान जिन पर जयपुर दर्शन के लिए। और वो रहा सामने, मतलब मेरे राइट में अल्बर्ट हॉल, और यहाँ पर भी पुलिस वाले खड़े हुए हैं सरप्राइज चालान के लिए। और वो रहा सामने हमारा घर, मजाक कर रहा हूँ, पता नहीं किसका था बट अभी जयपुर का है, बट जयपुर का है तो हमारा है। म्यूजियम, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जिस जगह पर, जैसे मैं यहाँ पास में रहता हूँ तो मुझे इसकी केयर नहीं है, मुझे इसकी वैल्यू मेरे नज़र में इतनी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर दिन में कम से कम 10 बार यहाँ से गुजरता हूँ, बट मैं इसकी तरफ कभी शायद देखता हूँ। लेकिन लोग यहाँ पर दूर दूर से इसको देखने आते, जिन लोगों के पास जो चीज़ अवेलेबल होती है ना, तो वो उनको उस चीज़ की कदर नहीं होती, उस चीज़ की वैल्यू उनको नहीं होती। अब जैसे मैं बहुत टाइम पहले आगरा गया था ताजमहल देखने, तो मुझे, मेरे लिए ताजमहल एक अलग सा एक एक्सपीरियंस था, एक बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था कि भाई वाह यार क्या चीज़ देख ली मैंने। मतलब लिटरली यकीन करना कि जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ताजमहल को देखा था ना, तो 5 मिनट तक मैं उसको देखता ही जा रहा था, सिर्फ बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ उसको देख रहा था मैं, तो ऐसा इंप्रेशन पड़ा था मुझ पर फर्स्ट टाइम ताजमहल देखने का। तो एक ही बार देखा मैंने, बट हाँ यार, मतलब पहली बार जब मैंने उसको देखा ना, तो ऐसा लगा कि बस देखते जाओ। बट वहाँ के जो लोग थे ना, वो बिल्कुल नॉर्मल थे, कैजुअल ले रहे थे उसको। पर जाकर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यही सीन दूसरे लोगों के साथ होता होगा जब वो यहाँ पर आकर अल्बर्ट हॉल को देखते होंगे, या नारगढ़ महल को, किले को, या आमेर के किले को, जयगढ़ फोर्ट को, किसी भी किले को, जो भी दूसरी जगह का बंदा आकर देखता है ना, तो वो फीलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। उससे पहले मैं सोचता था पता नहीं यार इसमें ऐसा क्या है जो लोग इतनी दूर दूर से आके इसको देखते हैं। जब मैंने ताजमहल देखा ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ होता है।